स्वागतम। आप सबका आहार अंजलि स्पेशल कच्चे आम महोत्सव सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम का खट्टा मीठा सैलड और कच्चे आम का चटपटा सैलड। ये स्वाद के लिए बहुत अच्छा होता है, पर इसे दिन भर में 40 ग्राम से ज्यादा न खाएं। इसके लिए कच्चे आम के पतले पतले छिलके निकालें। अब घिसनी से पतले पतले चिप्स करें। अब हम चटपटा कच्चा आम सलाद बना रहे हैं। इसके लिए एक कटोरी आम के चिप्स लें। चम्मच के पिछले हिस्से से इसमें सौंठ पाउडर डालें, काली मिरी डालें, काला नमक पाउडर डालें, नमक डालें। अब इसे चम्मच से हिलाएं। स्वाद अनुसार थोड़ी पीसी हुई शक्कर डालें। वेट लॉस के लिए अगर ये सलाद आप खा रहे हैं, तो इसे एकदम पतले छिलकों के साथ खाएं। इससे स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। इन छिलकों में फाइबर ज्यादा होते हैं और ये गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होता है, जिससे हमें पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती है। ये सलाद तैयार है। अब हम कच्चे आम का खट्टा मीठा सलाद बना रहे हैं। इसके लिए हमने आम के पतले चिप्स किए हैं। एक कटोरी चिप्स ले और उसमें एक चम्मच नमक मिलाएं, एक टीस्पून पीसी हुई शक्कर डालें, स्वाद अनुसार इलायची पाउडर या सौंठ पाउडर मिलाएं। अब इसे चम्मच से हिलाएं। आम का खट्टा मीठा सलाद बन गया। आप इसे नाश्ते के समय या भोजन के समय जरूर खाएं। इससे मुंह को स्वाद आता है, भूख ज्यादा लगती है और खाना पच जाता है। बच्चों को ये खट्टा मीठा सलाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको ये खट्टा मीठा कच्चे आम का सलाद और कच्चे आम का चटपटा वेट लॉस सलाद? कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल आहार अंजलि को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।